मेरा नाम पिंटू मौर्या, मैं पिछले एक साल से यहाँ वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, मृतक के क्या लगते हैं? मृतक के सर जीजे हैं, बड़ी जीजा। अच्छा, क्या सी बोलिए? यहाँ सर सर भट्टी चल रही थी सर, भट्टी के पास नदी खड़े थे, भट्टी आपने यहाँ ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर ली। ये भट्टी कम से कम 2-4-5 बार फट चुकी है, फिर दोबारा फटी है, इसकी वजह से साल्ट इनके शरीर पे आया, साल्ट की वजह से सारा शरीर जल गया, साल्ट की वजह से शरीर जल गया। यहाँ लाने में भी देर कर दिए हैं और यहाँ इलाज भी नहीं सही किए हैं। यहाँ जिंदा था, जिंदा होने के बाद धीरे 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 दम तोड़ा था, इसके पहले वो जिंदा था सर। यहाँ करीब 1 घंटे के बाद वो मरा है। अच्छा, ये बताएं कि अगर सेफ्टी उपकरण थे उनके पास? सेफ्टी उपकरण कुछ नहीं दिया सर, बस हेलमेट वेलमेट का भी सुविधा नहीं है, बस ग्लव्स दे दिया जाता है, बस काम पे लग जाओ। और भट्टी है, भट्टी से भी बोलते, भट्टी के पास भी सफाई वफाई करवाते हैं, काम भी करवाते हैं भट्टी के पास भी। अगर सेफ्टी उपकरण होता तो शायद जान बच जाती? सेफ्टी उपकरण रहता तो जान बचने की उम्मीद थी सर, जहाँ तक हुआ जान बचने की पूरी उम्मीद थी। तो कंपनी की गलती है? कंपनी की गलती है सर, वहाँ मेन बात है सर, वहाँ से लाने में लोग ज़्यादा लापरवाही किए, 1-1.5 घंटे बाद वहाँ से यहाँ लेके आए हैं। एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुँची? एम्बुलेंस नहीं, किससे लाए हैं? गाड़ी में भर के लाए, DCM से भर के लाए। मेरा नाम विश्वास कुमार है, मैं नाइट ड्यूटी गया था, नाइट ड्यूटी करके वापस आया तो वहाँ अभी अंदर पहुँचा था डे ड्यूटी के लिए, और डे ड्यूटी में उसको सावधान किया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है वगैरह वगैरह। और वहाँ पे क्या है, फर्नेस कभी कभी फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन बताते नहीं ऑपरेटर लोग या फिर जो भी हो, उनको बताना चाहिए, बताया होते तो क्या किए वो लोग कि फर्नेस के सामने ही वो कुछ मटेरियल था, पैक करना था उसको, जिससे कि ट्रांसफ़र दूसरे कंपनी में जाने के लिए, अब वहीं पर लगा दिए, सामने ही थे और टैंक फटा और जाके बदन पर पूरा लग गया था। तो कितने लोगों को रिपोर्ट लगे? 3 लोग वहाँ पर थे मौजूद, और हमको यहाँ रूम पर आया तो फोन आया वहाँ से, एक लड़का कंपनी से किया कि अभी अभी शॉर्ट पड़ गया है, आ जाओ फटाक से। हम गए, पहले गया होगा अच्छा हॉस्पिटल में, एडमिट कराएगा तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ आए तो बस PGI बोल रहे हैं, PGI में आ जाओ। PGI कहीं ले जाए, अदर हॉस्पिटल में अच्छे सुविधा वाले हॉस्पिटल में ले गए थे तो बच गया था। हम लोग जब आए तब वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, दवा हो रही थी, तो उसके बाद पेटी के बगल इलाज हो कर रहे थे, धीरे धीरे अब बोल रहे हैं कि नहीं आप कहीं और ले चलो या फिर अच्छे कर लो, नहीं सुन ही ना रहे तो अब ठीक है? ठीक नहीं है, धीरे धीरे वो दम तोड़ दिया। कितने आदमी? 2 आदमी ने दम तोड़ा, एक मेरा भाई विजेंद्र कुमार ने तोड़ा है और एक रमेश ने।